साहब अब बताओ क्या सुनोगे। अच्छा जिकड़ी बन। अच्छा और कलयुग चाय रहो भरमार याते बचते रहियो भैया कलयुग छाए रहो परमार याद बचते रहियो भैया ओ बचते रहियो भैया याद बचते रहियो भैया कलयुग छाए रहो परमार बचते रहियो भैया कल युग की अजब कहानी जो झूठ कहे वही ज्ञानी कल युग की अजब कहानी जो झूठ कहे वही ज्ञानी और ज्ञान नते कहत गमार याते बचते रहियो भैया कलयुग छाए रहियो परमार याते बचते रहियो भैया जो बोलगी ऊंचे स्वर में जग बात चलेगी घर में जो बोलगी ऊंचे स्वर में जकी बात चलेगी घर में हो सतवंती ने देत निकार याते बचते रहियो भैया कलयुग छाए रहियो परमार याते बचते रहियो भैया जके हाथ में होएगी लाठी वो भैंस होएगी बाकी जग हाथ में होएगी लाठी वो भैंस होएगी बाकी जग जग
हाथ में होएगी लाठी वो भैंस होएगी बाकी हो कलयुग छाई रहो परमार याते बचते नहीं हो भैया कलयुग छाई रहो परमार याते बचते नहीं हो भैया भैया आइएगा हमारे देश में बंजारे बहुत हुआ करते थे। एक बंजारे की शादी हुई, बंजारे की उम्र 20 साल और बंजारन की उम्र 18 साल। एक बेटा पैदा होता है वो रोग ग्रस्त पैदा हुआ। आज बंजारे के पास में जो भी धन था वो बच्चे के इलाज में लगा दिया। ये सुबह का टाइम सुनेंगे कुछ सत की बातें, क्योंकि राग भी टाइम से ही होते हैं अगर रागी जाने तो। आइएगा, आज जो बेटा पैदा होता है वो रोग त्रस्त पैदा हुआ। बंजारे के पास में जितना भी धन था बच्चे के इलाज में लगा दिया। एक दिन वो बंजारा एक सेठ के पास में पहुंचता है, कहने लगा कि सेठ जी मुझे कुछ धन की जरूरत है बच्चे के इलाज के लिए। आज वो सेठ कहने लगा कि तेरा क्या विश्वास है जो तू मेरा पैसा लौटाएगा? अपनी बंजारन को गिरवी रख दे, जैसे आप लोगों की समाज बैठी है ऐसे ही समाज बैठी थी। बात तय हो जाती है कि ये मेरा पैसा दे जाएगा और अपनी बंजारन को ले जाएगा, लेकिन शर्त एक और थी कि इसको धर्म की बेटी बना के रखना पड़ेगा। आज वो धन भी लग गया, वो बेटा भगवान को प्यारा हो गया, बंजारा आत्महत्या करके मर गया। आज वो सेठ रूप और स्वयंवर को देख करके कहने लगा, अरियो बंजारन तेरा बंजारा तो नहीं आया, तुझे मेरी घरवाली बनना पड़ेगा। वो भारतीय नारी वो अबला कहने लगी, हे सेठ जी ये आप क्या कह रहे हैं? आपको वो दिन याद है आपने भरी समाज में कहा था कि धर्म की बेटी बना के रखूंगा। आज वो बंजारन क्या जवाब दे रही है सुनिएगा साहब। सब तरह को सौदा है मेरे झोला में, तुम तो सुने जा, पर भू बारह खड़ी के गाने ज्यादा नहीं गा। ई तो आए गो मो आदमी बारह खड़ी तो मैं छोड़ रहा थी, बढ़िया डिटो का आनंद आवे सुर में घुस के सुनो सा। के सोच समझ के और रहो सेठ जी, के सोच समझ के और रहो सेठ जी, और शोभा नाए तेरे द्वारे की, और मैं बेटी और मैं बेटी तुम पिता बराबर शर्त है प्राण प्यारे की। भाई मैं बेटी तुम पिता बराबर शर्त है प्राण प्यारे की। भाई मैं बेटी घर की बेटी ना इज्जत को बर्बाद करे, के खानदानी घर की बेटी ना इज्जत को बर्बाद करे। वक्त पड़े पर वो अबला जा ईश्वर से फरियाद करे, और वक्त पड़े पर वो अबला जा ईश्वर से फरियाद करे। हे भगवान दयालु ऐसे आकर के इमदाद करे, और हे भगवान दयालु ऐसे आकर के इमदाद करे, और जालिम को बर्बाद करे और मजनू को ताज करे। भाई जालिम को बर्बाद करे और मजनू को ताज करे। भाई जालिम को
मान रहा है, आज वो बंजारन समझा रही है, अरे ओ सेठ याद कर क्या के हरा बगीचा सौंप के तुझको बाग का माली चला गया, के हरा बगीचा सौंप के तुझको बाग का माली चला गया, के डाली डाली कर हरियाली जनाब आली चला गया, के डाली डाली कर हरियाली जनाब आली चला गया, और इसी मर्ज में बुरी तरह दुनिया से बाली चला गया भाई इसी मर्ज में। अरे सेठ तू मोहित भी हो रहा है किस पर इस तन पर, तू मोहित हो रहा है किस पर इस तन पर, इस चरम पर अगर इस खाल को उल्टा करके देखा जाए तो ये देख ही नहीं जाती, अगर किसी को चोट लग जाए तो ये ही कहते बहुत बुरो हाल में हो भाई, बड़ी बुरी लगी है आके तो। लेकिन आज वो भारतीय नारी बावला कह रही है अरे सेठ सुन, और बालों पर जो फिदा होए तो कतर कतर के डालूंगी, और बालों पर जो फिदा होए तो कतर कतर के डालूंगी, और तन मेरा अच्छा लगता हो तन से खाल उतारूंगी, और तन मेरा अच्छा लगता हो तन से खाल उतारूंगी, और सर पे जो वो हित हो गए तो पला भी धर से उतारूंगी भाई सर पे जो। के इज्जत तुझको नहीं मिले, इज्जत तुझको नहीं मिले ये चीज मेरे, ये चीज मेरे बंजारे की, और मैं बेटी तुम पिता बराबर सर पे भागा प्यारे की नहीं मैं बेटी, जब सेठ नहीं मानता है तो अपतितों के पति कौन होते हैं श्री कृष्ण भगवान। आज वो भारतीय नारी एक पैर से खड़ी है, और भैया कवि क्या लिख रहा है कैसे, के एक पैर से खड़ी सती वो पद से ध्यान लगाती है, एक पैर से खड़ी सती वो पद से ध्यान लगाती है, के कोड़ी वही सेठ की काया तन से राध चुचाती है, के कोड़ी वही सेठ की काया तन से राध चुचाती है, और जैसी करनी वैसी भरनी झूठ कही ना जाती है वही जैसी करनी, खबर न आज सकारे की, और मैं बेटी तुम पिता बराबर सर पे पाना प्यारे की भाई मैं बेटी, भाई मैं बेटी तुम पिता बराबर सर पे प्राण प्यारे। बलों 12 बजे तक सुना, बड़ा ही चालाक बनता है, लेकिन वो ही देता है जो कुछ देता है सुख दुख, वो ऊपर वाला आपके लिए दिया है तो उसने दिया है, मेरे लिए दिया है तो उसके, वो संसार में सबके लिए देता है। आइएगा एक छोटा सा गाना एक और किस तरीके से। हेलो
मेरा और मत ना बने होशियार बावड़े के मत ना बने होशियार बावड़े और दुनिया देगी नायला की या भोले के दरबार में तेरी नाई चलेगी चाला किया भोले के दरबार में तेरी नाई चलेगी चाला किया भोले के कहे पार्वती को सिक्का लेके कहे विप्र और नाई सिक्का लेके गए विप्र और नाइये हंसी खुशी के नास पर पूछ भो लेकी करी सगाइये वो लेने दोनों विदा किए तो दीनी भस्म गहाइये वो लेने दोनों विदा किए तो दीनी भस्म गहाइये पंडित ने बांधी पल्ले में नौआ ने राख उड़ाई है पंडित ने बांधी देखो यावा तहत तुम जाने के पक्षी में कौआ और मानसन में नौआ सब ते चालाक जात रे छत्तीस आई जात बताइए जैसे ही भोले बाबा ने भभूति दई तो पंडित जी ने तो अपने तो साला के पल्ले मान दई के भैया बाबा दई है कछु नजर गुजर के काम आवेगी और नाऊ सोच में लगा के ऊपर ते आ रही ठंड एक खोर दे दे तो मेरे चार है कट जाते बताइया नहीं स्वाद और खराब कर दी उस रख्या को फैला दिया और भैया कोई नाई हो तो मैं ना कह रहा कथा कह रही है बुरो मत मान जाइए भाई क्योंकि तुम बुरो मान गए तो मेरा चौथा बन देगा हम त्यार हो जाएंगे आज किस तरीके से जैसे ही रात को फैला दिया आज दोनों ही अपने अपने घर पहुंचते ही कथा क्या मोड़ ले रही है कैसे भैया रानी ते नहीं रख्या नजर गुजर की है पंडित बोलो मिस रानी ते नहीं रख्या नजर गुजर की है और राग पटक दई आंगन में तो बन गई मोहर असर पीए भाई राग पटक दई आंगन में तो बन गई मोहर असर पीए भाई राग पटक दई बड़ी जोर को मेल हो क्यों के पहले ही बतरा देगी चाहे छोरा ही बहु लगा तो बोले पंडित जी का लेंगे तो कोई सेटिंग सी करेगी पहले कई तीर्थ लेने आज पंडित जी के घर पर ही बैठी है ना है बोले दोनों आ रहे होंगे मां कैलाश पे गए लगुन चलाएंगे बहुत धन लेके आएंगे अब वे तो अपने घर को चले गए झलकार के बाद दो साल आए नाई ठाकुर अब पंडित जी ने जैसे ही वो नो अपने घर में उसे बुरका तो मोहर असर भी बिखर गई अब देख रही है ना है ना ओहो सौदा तो मेरे नौआ में दे होगा जाके पूछ रही है कह दे करे के जब कोई आदमी कमाए के लावे तो भैया गुड़ क्यों मीठी बोले और आदमी आवे कहूं एक महीना पौआ पी के ता भैया खावे भी दौड़े आज भैया किस तरीके से क्या कह रही है वो क्या जवाब दिया फिर ना हिन बोली नौआ ते कहा दियो बेटा बारे ने फिर
बोली नौवा ते का दियो बेटा बारे में। फिर नौवा बोला नाहन ते हम लुट गए चोरे। आज जैसे इतनी बात सुनी लाल ताती है गई नाहन बन के एक भैंस के दूध पी रहो है बालक ने ना पी मंगे तो भाई एक मुट्ठी राखना चली और का इंधन में बचा रहेगा। कैसे कह रही है और क्या जवाब दे रही है, क्या जवाब दिया भैया? ना है ना बोली नौवा ते तो बड़े बड़े बाल खबाती में। ना है ना बोली नौवा ते तो बड़े बड़े बाल खबाती में। सही संजा को मर गयो है तेरी दांत गाड़ दूं छाती में। तू सही संजा को मर गयो है तेरी दांत गाड़ दूं छाती में। तू सही संजा को नाई ठाकुर करो पनवेश्वरी अब के माफ कर दे। जब सगाई मैंने करिया तो लगुन चलावे तो मैं ही जाऊंगा। मुए पतो भू बाबा कांते देवर आखे अब के तो चूक है गई पर लेकिन अब के चूक नहीं होगी। कैसे कह रही है भैया, क्या जवाब दिया? सगाई में ही लगन चढ़ावे जाऊंगो। तू पड़ो चादरा दे दीजो मैं बांध गठरिया लाऊंगो। तू पड़ो चादरा लगन को चढ़ा दिया। आज भोले बाबा फिदा कर रहे दोनू में विदाई में क्या दे रहे साहब? वो लेने दोनू विदा किए तो वही भस्म दे डाली है। वो लेने दोनू विदा किए तो वही भस्म दे डाली है। पीछे ते जाके नौवा ने सब धूना कर दियो खाली है। पीछे ते जाके नौवा ने सब धूना कर दियो खाली है। पीछे ते जाके आज नौवा पसीना दे रहो है। यूं कह रहो है ढाई मन का पोटरा पूरी भभूति बंध रही है। हाँ का चल रहा है नौवा को? अब कह रो सुन पंडित के तो जो पता सबसे ज्यादा पैसा मारो को है। पंडित जी बोले भाई हमें तो ना पता। बोलते अब फूट गई है का ये तो पहले ही चक्कर पड़ गो जैसे त्यास। कह रहा है वो क्या? फिर नौवा बोला हेलो हेलो। फिर नौवा बोला पंडित ते कोई हम समान धनवान नहीं। फिर नौवा बोला पंडित ते कोई हम समान धनवान नहीं। फिर पंडित बोलो नौवा ते भोले का तुझको दान नहीं। फिर पंडित बोलो अब दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। अब कह रहे नाई ठाकुर को भले मानसन को चौनी नहीं छोड़ेगो फिर रह जाएंगे। सब किवार बंद कर लेंगे। आज पोटरी को खोला शिव की माया
भैया क्या भाई कैसे और राख पटक दई आंगन में तो शिव ने माया फैलाई कह राख पटक दई आंगन में तो शिव ने माया फैलाई तैया पैदा है गए सब घर की आफत आई एक चाट मित्रा न्याते खा भाते खा नाइन सजा के बिटोरा कर दई ए नौआ है गो डेढ़ कुंटल को के चाट मित्रों के बार बन नहीं अल्लाह मचरो बोल भैया नौआ के घर का आए वो आज ई कैसे कच्चा मित्र हो जैसे ही इस अल्लाह को सुनकर वहां हिमाचल जी आ जाते हैं और क्या जवाब दिया कैसे साहब हिमाचल बोलो नौआ ते भो लेकी शरण में जाना आई भो लेकी शरण में दनाई तो पापो बंद कटो भाई भोले की शरण में के उदय सिंह कह रहे हो धर्म पे के उदय सिंह कह रहे हो धर्म पर ना चले तेरी नायला की या भोले के दरबार में तेरी नाई चलेगी चाला किया भोले के हो गया सभी पांडव अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज मां कुंती कहने लगी बेटा धर्मराज इस कर्ण के लिए और श्रद्धांजलि दीजिए। धर्मराज कहने लगे मां ये आप क्या कह रही हो, अरे कर्ण तो हमारा सबसे बड़ा बैरी था, दुश्मन था, शत्रु था, आप ये क्या कह रही हो। लेकिन कह रही है मां कुंती नहीं बेटा धर्मराज वो आपका सबसे बड़ा भाई था। जैसे ही भाई का नाम सुना के मां ये तुमने क्या किया, कर्ण जैसा दानी, कर्ण जैसा योद्धा हमारा भाई, हम भी ये सोचते थे कि ये सूत पुत्र है भला ये छत्री, अगर ये बात पहले बताती तो आज राज का अधिकारी मैं नहीं मेरा भाई धर्मराज बनता। आज जो धर्मराज कभी अपनी मां से आंखें मिलाकर बातें नहीं किया करते थे आज बहुत तनी हुई है और क्या जवाब दे रहे हैं सुनिएगा साहब। सब तरह का सामान है मेरे झोले में, सुनिए किस तरीके से। देखी जो ऐसी हालियत भाप में बहने लगे रो रो करके धर्म रा कहने लगे अरे राज माता ना हमसे छुपाती करण मेरा भाई था तो पहले बताती तो भाई से टूट भाई तो
भाई से टूट भाई चारा न जाता करण जे सभाई मारा न जाता करण जे सभाई मारा न जाता ओ और क्या हाय नजर झुक गई है हे मां करण जैसा दानी इस दुनिया में नहीं हो सकता मां आज किस तरीके से क्या जवाब दिया देखा भैया लक्ष्मण तेरा जवाब नहीं वाहवाही हुआ जो आपके सामने ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे आपके ही क्षेत्रीय बाजना से श्री लक्ष्मण जी आइएगा किस तरीके से क्या जवाब दिया कैसे हो कपच और कुंडल जिसने हो कपच और कुंडल जिसने दान दिए दान में ही भैया उसने पांच बाड़ दिए दान में ही भैया उसने पांच बाड़ दिए और दे दान बाण भैया दे दान बाण भैया मारा न जाता करण जैसा भाई मारा न जाता हो कहते हैं भाई जैसी चीज दोबारा नहीं मिलती है क्या भाई जैसा प्यार नहीं तकरार ना हो तो भाई चोरी जैसा धंधा नहीं सरकार ना हो तो ये जब से बीजेपी आई है बड़ा ही आनंद आ रहा है कुछ जो दुष्टे कह रहे हैं कि मोदी खरा योगी खरा तुम बढ़िया बहुत बढ़िया है तुमका बुरा फर भी है तुम्हें छोड़ रहा थे वारी हम जब छोटे छोटे थे जब कांग्रेस की गाड़ी आती थी लेकिन कांग्रेस अभी है हमारी राजस्थान में क्या करें तो हम कहते थे कि काली टोपी मुझे चला और कांग्रेस में कह रहे हैं वो क्या हे है नजर झुक गई है नजर झुक गई है उठ ना सकेगी आप बात मिट ना सकेगी धर्मराज ने एक मां कुंती को ही नहीं पूरी नारी जाति को श्राप दिया वो श्राप आज तक अटल है कि कोई बात एक भैया पतों पर जान दो और पूरे मोहल्ला में अगर तुम 10 मिनट में नहीं सुनने तो मेरी गारंटी है एक कोई आधे कलिंदिया नहीं आए अपने घर अब साहब भैया ठाड़ी यम का लाए बेर बेर के यम का लाए भू कह रहा हूं चपरा अच्छा जाके सिंधु को डर दिए तार लगा दे देख ले बता रहा है यम का लाए बान के सुन मैं एक आदमी को मर्डर करके आया हूं और यम है वक मूड तू कीजो मत काल के अब बाके तो साहब पेट में अभरासा चढ़ो छूटी बोल बीवी देखो किस्सा मत करी का ना बता मैं देख बात बताऊ
बोला हमारे ने कैसा चौतरा बांधे हुआ, अब बालक नहीं कैसे होगी, कहू आदमी का पूरा काट लायो, अब साहब पूजा रहो न करके मान करी राम राम साहब, अब तो और तरह की सी नजरन के देखे गांव के, बोले बहन चौथ प्यारो मान से मार के आयो, बोल भाई बोल क्यों ना रहे, बोल भाई तू यो बता हमने एक बात सुनी, भाई तेरे कोई मांस मार दियो कहिए, बोल को कह रहा, बोल भैया हमारे घर के कह रहे, बोल क्यों भैया बात कहा तो बोलते ही भैया कह रही कहिए, तो वो श्राप आज तक अटल है, आज धर्मराज श्राप दे रहे हैं अपनी माँ कुंती को, क्या नजर झुक गई है उठ ना सकेगी, देता हूँ श्राप बात मिट ना सकेगी, नारी न जाति को यही श्राप देता हूँ, नारी न जाति को यही श्राप देता हूँ, पेट में कोई भी बात रुक ना सकेगी, पेट में कोई भी बात रुक ना सकेगी, तेरा हो सदूर वो नैनो सदूर वो नैनो सदूर वो तारा न जाता करण जैसा भाई मारा न जाता, ओ कह गया कब होलाई पार करे नहीं।